हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली एनटीए ने आपको फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया। ओह माय गॉड, हाँ फाइनली आपका आंसर की रिलीज हो चुका है। आप एनटीए के वेबसाइट पे जाके अपना आंसर की चेक कर सकते हो। बाकी जो भी क्रेडेंशियल हो, एप्लीकेशन नंबर डालो, कैप्चर डालो, चेक कर लो वहां से। और पता है आपको कि कैसे चेक करना है? फाइनली अच्छे से मिलाना उसको, प्रॉपर देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, ऑफकोर्स आता होगा, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, मतलब ट्वेल्थ पास कर चुके हो, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। उस बेसिस पे मैं फिर आगे वीडियो बना के आपसे बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मायूस होंगे कि मैम मेरे इतने नंबर कम आए हैं, कैसे कॉलेज मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है इंडिया में। उसके लिए पैनिक नहीं करना है, फिलहाल आप अपना आंसर की मिलाओ, क्योंकि इतने मशक्कत के बाद एनटीए ने फाइनली आपका आंसर की रिलीज कर दिया है। और उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी मुझे लगता है, जैसे कि जामिया के वाइस चांसलर ने कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक में, ये अगस्त मतलब जुलाई का तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लास्ट ही चल रहा है अभी, आज 25th ऑफ जुलाई है, फिर कुछ दिन के बाद खत्म ही है ये भी, फिर अगस्त का फर्स्ट वीक आ जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन में या फिर कल परसों में ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दे, जैसे फाइनल आंसर की अचानक से दे दिया। वैसे अचानक से नहीं दिया, मैं सुबह से आर्टिकल पढ़ रही थी, मुझे आर्टिकल में दिख रहा था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि आज आपका फाइनल आंसर की आ सकता है। पर देखो श्योरिटी की बात नहीं कह सकती ना, क्योंकि जैसे उन्होंने न्यूज के थ्रू ही हमें पता चला था ना कि रिजल्ट 22 जुलाई को आने वाला है, 20 जुलाई को आने वाला, पर नहीं आया था। इसी वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि देखती हूँ कि आज आपका फाइनल आंसर की नहीं आएगा, और फाइनली आपका फाइनल आंसर की आ गया। और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पे अच्छे से कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपके स्कोर्स कितने बने हैं। भाई मैं आपकी टीचर हूँ तो मुझे इतना जानने का तो हक है ही, ठीक है। तो जल्दी जाओ, वेबसाइट का जो लिंक होगा ना वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहां से डायरेक्ट आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी फाइनल आंसर की, फाइनली आपने एनटीए ने रिलीज कर दिया आपका फाइनल आंसर की। अब आप थोड़ा कम पैनिक करोगे, रिजल्ट कुछ दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हाँ, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। चलो ये तो हो गई, आगे हम बात करेंगे तो बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। अब बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि देखो उन्होंने भी अपना डेट एक्सटेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन का, 26th ऑफ जुलाई कर दिया, यानी कि आज 25th है, कल 26th है, कल लास्ट डेट है, क्योंकि अभी क्या है ना कि स्कोर कार्ड आया नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दे उस चीज को, लेकिन मैं श्योरली नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है बीआर अंबेडकर का यूनिवर्सिटी का, तो वो जाके फॉर्म फिल करें, स्पेशली दिल्ली वाले स्टूडेंट, बहुत प्रेफरेंस है, ड्यू है जानती हूँ, लेकिन जो बच्चा अगर ड्यू में नहीं कर पा रहा है, मतलब उनको स्कोर कम आ रहा है, तो इसको कंसीडर कर सकते हो, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया, 30 जुलाई तक कर दिया है, जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता आपसे वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, अपना नाम वाम डाल दो, रजिस्टर कर लो, एटलीस्ट रहेगा तो कि आपने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद सारी प्रेफरेंस लिस्ट भरने का, फिर फीस जो भी आपको रजिस्ट्रेशन फी वगैरह उसको सबमिट करके उसके बाद आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल में यूज होते हैं वो सारे अपने पास ही रखना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप हर भर में ना कुछ चीजें छोड़ देते हो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कोटा लगता है, जैसे एससी का, एसटी का, या ओबीसी का कोई भी, या स्पोर्ट्स कोटा हो गया, या कुछ भी अगर सर्टिफिकेट लगता है वो प्रिपेयर करके रखेंगे। सेम विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी यही है कि अभी आपका फेस टू का ही पोर्टल कुछ दिन में खुल जाएगा, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुल जाएगा फेस टू का, तो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करके रखना। बाकी मैं वीडियो तो बनाऊंगी, बताऊंगी कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, ठीक है।
बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट हमारा बीएचयू। अब बीएचयू की बात करो तो बीएचयू ने अपना फॉर्म अपना रिलीज कर चुका है, उन्होंने भी कहा है कि आप रजिस्टर्ड कर दो, फिलहाल 5 अगस्त तक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा। देखो फाइनल आंसर किया गया, रिजल्ट आने में कुछ ही दिन बाकी है, रिजल्ट जैसे ही आएगा वो नेक्स्ट फेज भी ओपन कर देंगे अपना, तो उसके बाद आपके पास कम टाइम बचेगा क्योंकि ऑलरेडी हम जुलाई खत्म करने वाले हैं और अगस्त में एंटर करने वाले हैं। तो क्या होगा ना, ऐसे कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो काफी टाइम जाएगा इसमें। तो कॉलेज हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना दे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज में, और कोई भी कॉलेज बच्चा लोग नहीं छोड़ना, अगर आप लो स्कोर कर रहे हो तो भी या हाई स्कोर कर रहे हो तो भी, गॉड नोस की क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन बाकी थैंक्स टू एनटीए की फाइनली आपकी आंसर की रिलीज कर दी, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आप स्कोर चेक करो, सब कुछ आपको अच्छे से चेक करना, अच्छे से बनाना भैया। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, फिर परेशान होते हो कि मैम मेरा आंसर की गलत आया, मेरा आंसर ओएमआर गलत मिल रहा है, ये आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं है। ये इसलिए होता है ना क्योंकि आप सीरीज में देख लेते हो, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता है, तो अच्छे से और ध्यान से मिलाओगे उस चीजों को, ठीक है। और बाकी कमेंट करके मुझे स्कोर जरूर बताना, लास्टली बोल रही हूँ, कमेंट करके स्कोर जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितने अच्छे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पे और मेरे थ्रू ही मिलेंगे आगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।